अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। मेन्यू में क्या है आज? हमारे मेन्यू में क्या है आज? हमारे मेन्यू में है चने की दाल की कबूली। कबूली का नाम हो तो घर वाले कहते हैं कबूले कबूले कबूले, ठीक है। आज हमने लिए हैं 1 किलो लिए, इसको बनाने के लिए हमने चावल लिए हैं, 1/2 किलो हमने लिए दाल, इसको आधे घंटे पहले हमने भिगो दिया था। नमक हम लेंगे हंसपे सायका, इसमें बहुत कम सामान डलता पर बहुत मजे की बनती है। 2 चम्मच हम लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 बड़ी गड्ढी हमने प्याज की लिए, इसको स्लाइस कर लिया, प्याज इसमें थोड़ी ज़्यादा डलती है। और हरी मिर्चें मेरे पास तेज़ वाली थी तो मैंने 6 अदद लिए, इसको मोटा मोटा काट लिया है, ठीक है। 2 अदद हमने लिए दालचीनी, 1 अदद हमने लिए बड़ी इलायची, 5 अदद हमने लिए लौंगे, 6 से 8 अदद हमने लिए हैं काली मिर्चें। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम चने की दाल को उबाल लेंगे। दाल को उबालने में थोड़ा एक्स्ट्रा पानी रखेंगे, लेकिन दाल को हमने इतना गलाना है कि दाल गल तो जाए कि इसका दाना ना टूटे, ठीक है। दाल को हमने इतना गलाना है, वो मैं आपको दिखा दूँगी करने के बाद। उसको जब पकते हैं जो बबल्स आते हैं ऊपर झाग से आते हैं, वो उसको हम उतार लेंगे, ठीक है। दाल हमारी गल चुकी है, देखिए दाल बिल्कुल से गली हुई है लेकिन इसका दाना नहीं टूटा। अब हम इसको दाल को उतार लेंगे और पानी निकाल देंगे इसका। हमने क्या करना है, हमने 1 कप तेल लिया है, तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। तेल गर्म करने के बाद हमने इसमें प्याज डाल के इसको फ्राई करेंगे। प्याज को हमने गोल्डन करना है, ठीक है, कच्चा नहीं रखना है, बहुत अच्छे से गोल्डन प्याज करना है। हमारी बहुत अच्छे से गोल्डन हो गई है। अब हमें क्या करना है, हरी मिर्ची और गरम मसाला साथ डाल देंगे, और साथ ही में डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको हम डालेंगे, ठीक है। और हमने साथ ही डाल देना है चने की दाल जो हमने बॉइल करके रखी हुई थी, ठीक है। अब इसको तकरीबन सिर्फ 2 मिनट हम पकाएंगे करके। इसमें डाल देंगे चावल, चावल डाल के हम इसमें पानी डाल देंगे। चार कप चावलों में हमने 4 गिलास पानी डाला है, इतना कि चावल हमारे अच्छे से पक जाए। और हंसपे सायका नमक डाल देंगे, खुश्क हो चुका है चावल हमारे बिल्कुल से तैयार हैं। अब हम इसे 10 मिनट के लिए दम कर देंगे। मेरी बेटी को तो आज का जो है चने कबूली बहुत पसंद आई, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर आज का मेन्यू पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नए मेन्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।